में हमारा एसओजी ऑफिसर एक इंटरस्टेट गैंग मेंबर को अरेस्ट किया, उसमें हम सात वेपन्स उनसे सीज किया, उसमें एक रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है, एक तपंचा है और ये चार वो व्हाट यू कॉल एयर पिस्टल्स है। उनके पास 11 लाइव राउंड भी मिला 7.65 mm का। ये ज्यादा लोग वेपन यूज करके टेररेज करके बिगर अपेंडर बनने के लिए डॉन बनने के लिए सब प्लान कर रहे हैं, उसको हमारे एसओटी ऑफिशियल्स थ्रॉटल किया या ये अपेंडर ज्यादा बड़ा होने के लिए बिगर अपेंस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको हम ये ऑपरेशन से उनको रोक दिया। ये पहले एक कंप्यूटर ग्रेजुएट थे, बाद में ये काकीनाडा में काम करते थे, बाद में हैदराबाद आया, इधर हैदराबाद राजस्थान में काम कर रहे, इधर भी एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ थेफ्ट केस में, और काकीनाडा में भी एक कोर्ट पिटिशन थे हाउस बर्गलरी में, गोल्ड और मनी थोड़ी उसमें इन्वॉल्व हुआ। इधर आने के बाद उनको रिमांड करने के बाद, इधर से जेल जाने के बाद, जेल में दूसरे लोगों से मिलने के बाद बिगर ऑफेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया, बाद में वो मुंबई चले गया, मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करके ये सात वेपन उधर से ले आया है कि इधर भेजने के लिए और क्राइम करने के लिए इधर कोशिश कर रहे। ऐसा हमारा एसओटी ऑफिशियल्स ये अरेस्ट करने में एसओटी डीसीपी रमना, एसओटी डीसीपी मुरलीधर दोनों अच्छा काम करके ये बड़ा ऑफेंस तीन स्टेट में होने वाला ऑफेंस को रोक दिया, और ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना हमारा स्टेट में ट्रांसपोर्ट तो करने वाला इधर रहने के लिए कोई ऑफेंस करने के लिए वेपन यूज कर सकते। और ये एक बार ये ऐसा स्टार्ट करके तो इसको डिटरेंस हो गया, दूसरों भी ऐसा पकड़ गया था बोल के उनको भी मन में चढ़ा गया और ऑफेंस करने के चॉइस भी हम उनको नहीं दिया। इसी के लिए अप्रिशिएटिंग द वर्क डन बाय आवर एसओटी ऑफिसर्स एंड विल कंटिन्यू टू डू द सेम ऑपरेशन, थैंक यू। अभी ही हैज गॉट दिस वेपन इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, we got one person, there's a big gang behind. We'll get those details when we... Okay.